हेलो एवरीवन। तो चलो, 1B का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर चुके थे अपन, है ना। 1B का क्वेश्चन नंबर 1 अपन सोल्व कर चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही अपने को सेकेंड क्वेश्चन करना है, ठीक है। लेकिन इसके मैं जैसे फर्स्ट वाला पार्ट बता दिया, थर्ड वाला और फिफ्थ और सेवन्थ, ये चार क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी के आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। चलो तो बात करते हैं। सबसे पहले अपने एक नंबर लाइन बना लेते हैं। तो नंबर लाइन ले लो, बना ले। नंबर लाइन बनाने के बाद अब देखो, माइनस का 1/3 है, तो अपने को थोड़ा सा इतना ध्यान लगाना चाहिए। माइनस का 1/3 है, ऊपर छोटा नंबर है, न्यूमरेटर छोटा है डायनोमेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 0 और 1 के बीच ही होगी। तो ये 0 लिया अपन ने, ये -1 लिया, माइनस में है तो 0 और -1 के बीच होगी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, -1/3 है अपना नंबर, तो अपने को 3 पार्ट करने हैं 0 और -1 के बीच। तो अपन क्या दो डॉट लगा देंगे, दो पॉइंट लगाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। दो पॉइंट लगा दिए, अब अपने को कितना पार्ट चाहिए? 1 चाहिए। तो 0 की साइड से काउंट करेंगे अपन, 0 की साइड से 1 पार्ट काउंट किया, तो ये जो अपना पॉइंट आया ये अपनी फ्रैक्शन है -1/3, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला इसका अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड वाले पे चलते हैं अब अपन। दूसरा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, -1/2/3, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है? -1/2/3, सेकेंड वाला आई मीन ये थर्ड वाला, ठीक है। अच्छा तो कैसे करेंगे? देखो इसकी जो वैल्यू है -1/2/3 है, तो इसकी वैल्यू -1 और -2 के बीच में होगी। किसके किसके बीच होगी? -1 और -2 के बीच। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये अपन ने यहाँ 0 लिया, ये अपन ने 1 लिया, और ये 2 -1 लिया, और ये -2 लिया, तो -1 और -2 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। ये अपन ने यहाँ से पता लगा लिया होल नंबर से, और फिर 3 पार्ट करने हैं सबके, तो इधर भी कर देना, वैसे जरूरत नहीं है इधर करने की, इधर -1 और 2 के बीच में तो करने की जरूरत ही है 3 पार्ट, और अपने को 2 पार्ट ले लेना है। तो 2 पार्ट अपन इस साइड से लिफ्ट काउंट करेंगे, 1 2, तो ये जो वाली फ्रैक्शन है अपनी, ये जो फ्रैक्शन है वो है अपनी -1/2/3, ठीक है। तो ऐसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। थर्ड हो चुका है अपना, थर्ड के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं चलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं पहले नंबर लाइन बना लेता हूँ। ये लो, मैंने नंबर लाइन बना दी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 वाला है -4/3/5, ये रहा, है ना। तो क्या है? -4/3/5, -4/3/5। तो इससे पता चल गया अपने को कि इसकी वैल्यू किस किसके बीच होनी होने वाली है, -4 और -5 के बीच में। तो अपन यहाँ 0 से स्टार्ट ना करके थोड़ा -3 से कर देते हैं। -3 -4 -5 -6, ऐसे स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना ये वाले नंबर अपने को दिख जाने चाहिए, ठीक है। तो -4 और -5 के बीच में वैल्यू होगी, नीचे 5 है तो 5 पार्ट करेंगे। 5 पार्ट के लिए 4 पॉइंट चाहिए, 1 2 3 4, तो 5 पार्ट हो गए, ठीक है। अब 5 पार्ट हो गए तो क्या, 3 पार्ट अपने को ले लेने हैं। तो राइट साइड से लेंगे 1 2 और ये 3, तो ये वाली जो फ्रैक्शन होगी वो अपनी होगी -4/3/5, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। अब एक ये -3 का और कर लेते हैं। तो ये तो -3 तो बिल्कुल ईजी है, कैसे करेंगे वो बहुत, चलो मैं बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। तो जैसे अपन ने नंबर लाइन बनाई, तो ये नंबर लाइन बनाई, ठीक है, ज़्यादा बड़ी जाएगी तो, ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या चाहिए अपने को? -3, तो -3 तो सीधा ही आ जाता है भाई। देखो जैसे अपन ने 0 लिया, -1 -2 -3, ये सीधा रहा अपना -3, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। अच्छा चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो ध्यान से देखो, नंबर लाइन जैसे भी अपन बनाते हैं, तो एक कॉमन सी बात तो ये याद रखो तुम कि बीच में अपना यहाँ पे 0 होता है, बीच में क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, और इस साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, है ना। पॉजिटिव की जगह मैं प्लस लिख देता हूँ, लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। हमेशा कोई भी नंबर ले लो, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो राइट वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा लेफ्ट वाले नंबर से, ठीक है।
अच्छा चलो अब ये बात करते हैं, माइनस थ्री अपॉन फाइव लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, सही बात है, ये ट्रू है। माइनस का थ्री अपॉन फाइव कैसा नंबर है? माइनस का, तो माइनस का नंबर तो जीरो के लेफ्ट में ही आएगा, ठीक है। माइनस थ्री अपॉन फाइव लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, ट्रू है ये। माइनस ट्वेल्व अपॉन सेवन लाइज टू द राइट ऑफ जीरो, माइनस का ट्वेल्व अपॉन सेवन है वो राइट में जाएगा क्या? नहीं, वो भी लेफ्ट में आएगा, तो ये फॉल्स हो गया। माइनस का नंबर है तो किस में आएगा? लेफ्ट में, लेकिन इसने बोल रखा है राइट की बात कर रखा है इसने, है ना, तो वो हो गया अपना क्या? फॉल्स। फिर थर्ड वाला, द रेशनल नंबर वन अपॉन थ्री एंड माइनस फाइव अपॉन टू आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ जीरो, बिल्कुल सही बात है। माइनस का फाइव अपॉन टू तो इस साइड में आएगा, माइनस की साइड में, और जो ये वन अपॉन थ्री है प्लस का, ये अपना इस साइड में आएगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही तो है, ठीक है, अपोजिट साइड में ही तो है, तो ये आ गया अपना ट्रू। फोर्थ वाला है, द रेशनल नंबर माइनस एटीन अपॉन माइनस थर्टीन, माइनस का एटीन अपॉन माइनस का थर्टीन, अपने को पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये नंबर एक्चुअल में एटीन अपॉन थर्टीन है, जो कि प्लस का पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है ये? पॉजिटिव। तो किस साइड में आएगा? पॉजिटिव है तो भाई राइट साइड में आएगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोल रखा है? द रेशनल नंबर माइनस एटीन अपॉन माइनस थर्टीन लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, तो ये अपना है फॉल्स, क्योंकि राइट में आएगा ये तो, ठीक है। तो ये अपन ने ट्रू फॉल्स कर चुके हैं, और नंबर लाइन वाला कर ही लेना तुम तो वन भी तुमको अपनी नोटबुक में कर ली करनी है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, ठीक है, तो ये वन भी अपना हो चुका है। फिर अब बात करते हैं अपन एडिशन की, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो मैं जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी उस टाइम बता दूंगा और अच्छे से, ठीक है। अब तो तुम नॉर्मल नॉर्मल देखो कि ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, वैसे बस, ठीक है। चलो तो अब सीधा आ जाते हैं वन सी पे। ये एक्सरसाइज मैं आज आधी करवा देता हूँ, मतलब सेवन क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे, ठीक है। तो सेवन क्वेश्चन में अब ये कैसे करना है देखो ध्यान से। ये अपन क्या, तुम तो एट्थ में आ चुके ना, तो अपन ने एलसीएम लेके खूब सोल्व किए होंगे, तो उसी टाइप के ये क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट का मैं फर्स्ट करवाऊँ आपको, तो माइनस का टू अपॉन फाइव है और प्लस का फोर ऐड करना है ना, तो इसलिए मैंने बीच में प्लस लगा दिया, ऐड करना है इसलिए, ठीक है। तो अब फाइव एलसीएम ले लो, तो फाइव को डिवाइड करेंगे फाइव से, तो क्या आएगा? वन। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का टू ही आया, फिर फाइव को डिवाइड करो फाइव से, कितना आया? वन। वन से मल्टीप्लाई, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया फोर। तो ये फोर कितना बचेगा? टू प्लस का अपॉन फाइव, ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो एट द फॉलोइंग है। अब इसमें तुमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे इसका मैं सेकेंड वाला और सिक्स वाला और ये एट वाला, ये तीन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे सेकेंड वाला मैं करता हूँ, इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड, तो ये है अपना 5 बाई एट प्लस 8 बाई 27, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 8 और 27 का तुमको एलसीएम निकालना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। 2 4 जा 8, 27 डिवाइड नहीं होगा, 2 2 जा 4, 27 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, 27 डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27, और फिर थ्री से करेंगे तो थ्री थ्री जा थ्री, और फिर थ्री से होके वन वन आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर तो ये आ गया, थ्री थ्री जा नाइन ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, थ्री कैरी हो गया, नाइन टू जा एटीन, एटीन और थ्री होता है ट्वेंटी वन, तो अपना एलसीएम आएगा 216। कितना आएगा अपना एलसीएम? 216। तो ये तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एलसीएम अपने को निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। उसमें तो सेम नंबर था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब में सेम है नीचे, तो अपने को वो ही अपना मिल जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे, 216 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, तो ऊपर 5 को 27 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 5 7 जो 35, 3 कैरी हो जाएगा, 5 2 जो 10 और 3 13, ठीक है। प्लस 27 से डिवाइड करेंगे 216 को, तो अपना आएगा 8, और ऊपर मल्टीप्लाई होगा 8, तो 8 8 इज 64, तो तुम्हारा आंसर आएगा 549, और ये 6 और 3 9 और 1 199 अपॉन 216, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे ही अपन ये 6 वाला, ये मतलब बाकी सब कर सकते हैं, लेकिन चलो ये वाला मैं बता देता हूँ, 8 वाला और 6 वाला तो चलो बता ही देता हूँ, इतनी तो रहम कर ही देता हूँ तुम बच्चों पे, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे।
तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा अपना, वन अपॉन माइनस ट्वेल्व प्लस टू अपॉन माइनस का फिफ्टीन। अब एक बात का तुम ध्यान रखना, ठीक है, किस बात का ध्यान रखना है तुमको, अगर नीचे माइनस लगा हुआ है तो तुमको नीचे से हटा के ऊपर लिख देना है, ठीक है। वो मतलब वन अपॉन माइनस ट्वेल्व है तो इसको अपन माइनस वन अपॉन ट्वेल्व लिख देंगे, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो तीनों ये सेम ही है, इनमें अंतर मत समझना, तीनों ये माइनस के वन अपॉन ट्वेल्व ही है। तो ये ऊपर ये जो माइनस है इसको अपन ऊपर लिख सकते हैं, तो चलो लिख देते हैं, ठीक है। ये लो, तो ये जो माइनस है इसको मैं ऊपर लिख बनाऊंगा और इसको भी ऊपर, ठीक है। दोनों नीचे नहीं बचना चाहिए, मतलब एलसीएम के टाइम के नीचे नहीं बचना चाहिए। अगर दोनों माइनस के होते क्वेश्चन में तो इनको कट कर देते, ठीक है, कट करके दोनों को हटा दे, दोनों को हटा देते फिर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अपना बन गया ये, तो 12 और 15 का अगर तुम एलसीएम निकालोगे, 12 और 15 का ऐसे करके एलसीएम निकाल लेना, तो वो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60 को डिवाइड करो 12 से, 5 आएगा, और 5 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5, ठीक है। 60 को डिवाइड करो 15 से, 15 4 जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है। तो अपने को पता है प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का होगा माइनस 5 माइनस 8 अपॉन 60, तो ये बनेगा तुम्हारा माइनस का 13 अपॉन 60, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला मैं बता देता हूँ, 8th वाला और 7th वाला भी वैसे ही होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना कैसे करते हैं। दो तरीके से बता देता हूँ मैं 8th वाला, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। तो 8th वाला है 2 प्लस माइनस का 5/4, ठीक है। इसको दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखो एलसीएम अपना एक ही नंबर है नीचे, तो एलसीएम अपना यही आ गया, ठीक है। अच्छा, जिसके नीचे यहाँ कुछ भी नहीं होता डिवाइड में, तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो एलसीएम से, तो 4 2 8 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5 आया, तो ये 8 और ये माइनस का साइन बचेगा बीच में, 8 - 5/4 मतलब 3/4 तुम्हारा आ गया आंसर। दूसरा तरीका क्या है, ये 2 प्लस माइनस का 5/4 है, तो यहाँ इसके अपॉन 1 लगाओ, तो 4 और 1 का एलसीएम होगा 4, तो 4 को डिवाइड करोगे 1 से तो आएगा 4, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, आना तुम्हारा 8 ही है, प्लस 4 को इस ये नीचे 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5, आंसर तुम्हारा वो ही आना है 8 - 5/4 विच इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो कैसे भी कर लेना, जैसे तुम्हारा मन करे, वैसे मेरी मानो तो ये डायरेक्ट ये वाला कर लेना, जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 2 से, नीचे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। अच्छा चलो, फिर अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक मैं बता देता हूँ, बाकी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका 1 बता देता हूँ, एक क्वेश्चन कोई भी, ठीक है, चलो 2 बता देता हूँ, है ना, तुम्हारा मन करेगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों बता देता हूँ। फर्स्ट वाला है देखो, माइनस का 12/5 प्लस का 2/7 विच इज इक्वल टू 2/7 प्लस का -12/5। तो अपने को बस ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल है, तो इस साइड में अपन ने 35 एलसीएम लिया, 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 12 7 = 84 होता है, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ऊपर 5 2 = 10 होता है, तो ये तुम्हारा आएगा माइनस का 74/35, ठीक है। इस साइड में एलसीएम लो, 35 आएगा, 7 से डिवाइड करो, 7 5 = 35, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 10 आ गया, प्लस 5 से डिवाइड करोगे तो 35 को, तो कितना आएगा 7 जा, तो ऊपर 12 7 = 84 माइनस का, और ये भी तुम्हारा माइनस का 74/35 आएगा, तो दोनों साइड इक्वल है, तो वेरीफाई हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सारे के सारे ऐसे ही करने हैं। एक इसका थर्ड वाला पार्ट में और बात बता देता हूँ आपको, ठीक है, चलो तो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं फिर। ठीक है, तो थर्ड वाला पार्ट अपना ये रहा, क्या है थर्ड वाला पार्ट, 3 प्लस -7/12 विच इज इक्वल टू -7/12 प्लस 3। तो यहाँ मैंने क्या बताया था, एलसीएम तो तुम्हारा 12 ही आ जाएगा, और यहाँ नीचे की कुछ भी नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 3 = आ गया अपना यहाँ पे 36, है ना, क्या आएगा 36, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ तबीयत से, तो ये हो गया अपना 36 प्लस, और ये 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7, ठीक है। तो 36 - 7
ये कितना होगा अपना 29/12, ठीक है। सेम इस साइड में एलसीएम 12 आएगा, यहाँ -7 आएगा, प्लस 36 आएगा, और ये भी तुम्हारा आंसर 29/12 आ जाएगा, मतलब दोनों साइड इक्वल है तो बोल देंगे कि वेरीफाई अपना हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम ऐसे कर सकते हैं आराम से, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, ये फोर्थ वाला भी वेरीफाई है, इसका भी मैं एक पार्ट आपको बता देता हूँ, बाकी तुम कर लेना। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट है 3/4 प्लस का -2/5, ठीक है, प्लस 7/10, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3/4 माइनस का 2/5 और प्लस का -7/10। अच्छा, इधर भी -7, ठीक है। चलो, तो ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो इस साइड में अपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 20, 20 को डिवाइड किया 4 से तो अपना 5 आएगा, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, प्लस 5 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, और प्लस का -7/10, ठीक है। तो 15 - 8 कितना बचेगा, 7/20 प्लस माइनस का 7/10। इधर एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 को 20 से डिवाइड 1 आया तो ये बचेगा 7, प्लस और 20 को 10 से डिवाइड 2 आएगा तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 14, तो ये अपना आंसर आ गया -7/20। लेफ्ट हैंड साइड अपनी ये सोल्व होगी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे तो 3/4 ये बीच में प्लस होगा ना शायद, क्वेश्चन देखो, हाँ प्लस है, ठीक है, प्लस इधर एलसीएम लेंगे तो अपना एलसीएम आएगा 10, 10 को डिवाइड किया 5 से 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 आया, प्लस 10 को डिवाइड किया 10 से 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 7 आया, तो यहाँ -4 और ये माइनस का 7 माइनस का 11 बन गया, 3/4 प्लस माइनस का 11/10, ठीक है। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 20 आ जाएगा, 4 5 20 और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, प्लस 10 2 जा, तो यह माइनस का 22 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, प्लस माइनस, यहाँ ओनली माइनस का साइन बचेगा, मतलब क्या बनेगा, 15 - 22, तो तुम्हारा आंसर -7 आ जाएगा, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होके, और ये दोनों साइड तुम्हारी सेम आ जाएंगी, तो अपन बोल देंगे कि वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह ही है, कैसे करते हैं वैसे तुम आप करते ही आ रहे हो छोटी क्लास से, ये देखो सेम है, और तो ये अपना यहाँ पे आ जाएगा -3/17, यहाँ पे आ जाएगा अपना -21/8, -9 मिल रहा है अपना, और ये 3/7 देखो और -13/4 देखो, तो यहाँ आ जाएगा अपना -8/13, और ये -12/7/12, -9/11 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 19/-5 है, -3/11 आ जाएगा, फिर यहाँ पे अपना क्या आएगा, 0, फिर -16/7 में 0 ऐड करेंगे तो अपना आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, 6 वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो क्वेश्चन नोटबुक में कैसे आंसर लिखना है तुमको वो मैं आपको बता देता हूँ, तो कैसे लिखना है वो देखो ध्यान से। जैसे फर्स्ट है 1/3, तो इसको लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इज, ठीक है, इज लगा के फिर तुमको आंसर लिखना है, और आंसर क्या आएगा वो देखो ध्यान से, अगर प्लस का नंबर है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 1/3 है, ये हो गया अपना -1/3, ये हो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -23/9, इसका प्लस का 18, जो माइनस है वो प्लस के हो जाएंगे, प्लस है वो माइनस के हो जाएंगे, इसका 17/8, इसका प्लस का 15/4, और ये देखो अब ये वाला मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, ठीक है। ये क्या है, -16/-5, ये एक्चुअल में माइनस से माइनस कैंसिल होके ये नंबर फिलहाल ही अपना प्लस का है,
तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 16/5, इसका हो जाएगा प्लस का 3/11, 0 का 0 ही होता है, इसका हो जाएगा प्लस का 19/6, और इसमें माइनस से माइनस कैंसिल करना पहले, तो ये प्लस के नंबर है तो माइनस का 8/7 इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। चलो तो अब यहाँ तक तुम कर लेना। अच्छा, सेवंथ वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, 14 क्वेश्चन, 7 अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो चलो ध्यान से अब कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, देखो ध्यान से, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करना है, आपने को पहले पता है, सबट्रैक्ट में फ्रॉम वाला पहले लिखते हैं, तो फ्रॉम वाला पहले लिखा, माइनस का साइन लगाया, फिर पहले वाला नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 12 को डिवाइड करो 3 से, 4 आया, 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो 4 ही रहेगा, माइनस 4 को डिवाइड करो 4 से डिवाइड करो 3 बार, 4 3 12 होता ना 3, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो 9, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा माइनस का 5/12, ठीक है। तो ऐसे तुमको ये सारे के सारे क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आप कर लेना पूरा का पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कंप्लीट योर होमवर्क।